आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 17.7 में जो हमने पहले मात्रे ज्ञात किए हैं, तो अब मात्रे ज्ञात करने का एक और तरीका है। जब आपको वर्ग अंतराल दिया है और आपको मात्रे ज्ञात करना है, तो आप माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो वर्ग अंतराल दिया है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे जब वर्ग अंतराल है तब आपको माध्य ज्ञात करने के लिए इस सूत्र को याद करना पड़ेगा। सूत्र है आपका एल प्लस एम बटे दो माइनस सी बटे एफ वन गुणा एच। तो इसको पहले समझना आपको इस सूत्र को। यहाँ पर ये मान क्या है? एल है जो हम माध्यक वर्ग चुनेंगे उसकी निम्न सीमा, एम बटे दो है जो हमारी बारंबारता है उसका जो आधा, और सी यहाँ पर है संचयी बारंबारता, एफ यहाँ पर हमारे उस माध्यक वर्ग की बारंबारता है जिसको हम चुन रहे हैं, और एच है वर्ग अंतराल। अब हम 17.7 में सवाल नंबर एक करते हैं। यहाँ पर दिए गए प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले हमें प्राप्तांक की सारणी में लिख रहे हैं और फिर छात्रों की संख्या हमारे लिए एफ आई है वो हम लिखेंगे। इसके बाद जो हमने पिछले सवालों में निकाला था सीएफ यानी कि संचय बारंबारता, वो भी हमें निकालनी है। तो संचय बारंबारता हमें निकालना आता है। सबसे पहले जो प्रथम बारंबारता उसको सेम लिखते हैं और उसके बाद तीसरा अगला अंक उसमें जोड़ते हैं। तो 6 को 20 में जोड़ा 26, 26 को 44 में जोड़ा 70, 70 को 26 में जोड़ा 96, 96 को 3 में जोड़ा 99, और 99 को 1 में जोड़ा 100। तो यहाँ पर n का मान आ गया 100। अब हम n by 2 यहाँ से निकाल सकते हैं, n by 2 हो गया 50। 100 में 2 का भाग लगा दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग छांटना है। तो यहाँ n by 2 मतलब 50, और 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता या CF है हमारे सामने। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 70, और 70 के संगत जो माध्यक वर्ग है वो आ गया हमारे पास, इसको ऐसे हाईलाइट कर लेंगे ठीक है, वो है 40 से 50। तो हमारा जो माध्यक वर्ग आ गया वो है 40 से 50। फिर से देखेंगे n का मान 100 आ गया, n by 2 हो गया 100 बटे 2 50, और n by 2 मतलब 50 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 70, 70 के ठीक सामने का जो माध्यक वर्ग है वो है 40 से 50। तो इस पूरे को हम हाईलाइट कर लेंगे। अब हम सूत्र काम में लेंगे m बराबर l प्लस n बटे 2 माइनस c बटे fi गुणा s। तो आपको ध्यान रखना है m बराबर L हमारे पास क्या है, निम्न सीमा, और निम्न सीमा किसकी, माध्यक वर्ग की। तो ये हमारा माध्यक वर्ग है, ये इसकी निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा आ गई 40 प्लस n बटे 2, n बटे 2 हमारे पास पहले से ही है, n बटे 2 का मान है 50, तो हमने लिख दिया 50 माइनस c। अब c में आपको ये ध्यान रखना है, c यहाँ पर हमें जो माध्यक वर्ग की CF है उसके ठीक ऊपर वाली CF लेनी है। तो यहाँ पर 70 नहीं लेना आपको, 70 से ठीक ऊपर वाली जो CF है वो है 26, तो वो हमारे लिए काम करेगी C का। और FI इसी माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है वो लेंगे, तो यहाँ पर आ गया 44 गुणा H होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आप देखो 40 से 50 के बीच में 10 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल आ गया 10। तो M बराबर, अब इस 40 को हम एकदम लास्ट में सोल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 40 को आपको कुछ नहीं छेड़ना, बिल्कुल ऐसे ही रखो। 50 में से 26 गए, 24 बच गए बटे 44 और गुणा 10। तो आपको 24 को 10 से गुणा करो और फिर 44 का भाग दे, इससे अच्छा हम इसको छोटा कर लेते हैं। देखो 24 में भी 4 का भाग जाता है, 44 में भी जाता है, तो हम दे लेते हैं इसमें 4 का भाग दिया इसमें 6 बार और इसमें दिया 11 बार गुणा 10। आप इसको गुणा कर लेते हैं, तो m बराबर आ गया 40 प्लस 6 को 10 से गुणा किया 60 बटे 11।
अब हमें 6 को 10 से गुणा किया 60 आ गया, 60 में 11 का भाग देना तो ये आ गया 40 प्लस 60 में यदि 11 का भाग दें तो आता है 5.45। और एम का मान निकालना है तो 40 में 5.45 आपको जोड़ना है, तो ये हो गया 40 में 5 जोड़ दिया 45.45 और ये हमारा आ गया माध्य। आज के होमवर्क में आपको सब प्रश्नावली 17.7 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 करेंगे।